नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी हरियाणा का फेसबुक पेज लाइव और इस समय हम हैं फरीदाबाद के सेक्टर 28 में, जहां पर कि आज जो है वो लगातार तरीके से देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो इसको लेकर के आज कांग्रेस पार्टी का जो है वो प्रदर्शन है। और ये सेक्टर 28 से जो है वो इनका यहाँ पे पदयात्रा इनकी शुरू हो रही है और सेक्टर 28 से लेकर के ये लोग लगातार जो है वो ओल्ड फरीदाबाद की एक धर्मशाला है वहां तक जो है ये लोग जाएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे और इसके बाद इसी तरीके से पदयात्रा कर जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए तमाम जो नेता हैं वो यहां पे पहुंच चुके हैं, तमाम लोग जो है वो यहां पे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम कांग्रेस के आला अधिकारी जो है वो यहां पे पहुंचे हुए हैं। कुछ कांग्रेस के आला अधिकारियों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इन लोगों का कहना है, क्या कुछ किस चीज को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किस चीज को लेकर के प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। किसानों के विरुद्ध जो काले कानून बनाए हैं उसको वापस लेने के लिए हम किसानों के प्रोत्साहन के लिए मार्च निकाल रहे हैं। कांग्रेस प्रोत्साहन किसानों को हौसला बढ़ाने के लिए, उनका साथ देने के लिए मार्च। लगातार जो है महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही, किसानों की समस्या का हल नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं त्राही त्राही मची हुई है। नहीं, मोदी का डीजल तो पेट्रोल 100 रुपए, किसान का गेहूं 20 रुपए भी नहीं। इस सरकार को बिल्कुल संवेदनहीनता नहीं आ चुकी है और इनको जगाने के लिए हम ये मार्च करते हैं। आपका क्या नाम है? विजेंद्र सिंह कादान, में प्रभारी फरीदाबाद का एक्स मिनिस्टर हूँ। आज ये कार्यक्रम मुख्य तौर से 2 मुद्दों को लेकर के शुरू किया गया है। कांग्रेस पार्टी का फैसला है कि हर जिला स्तर पर पैदल मार्च किया जाए और जो 3 कानून इस भाजपा की सरकार ने किसानों के विरोध में बनाए हैं उनको रद्द करने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है। अब लड़ेंगे चारों से। तमाम जो है वो देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पे एकजुट होते जा रहे हैं और तमाम कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं जो, और ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं कहूंगा मेरे सहयोगी से कि भारी संख्या में जो आज है कांग्रेसी जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और खुद कांग्रेस की तरफ से जगन सतवी डागर जी हमारे साथ हैं, इनसे जान लेते हैं। डागर साहब, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हो लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए तानाशाही का दौर लगातार जारी है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। शर्म आनी चाहिए भाजपा सरकार को। ये वही लोग थे जब 50 पैसे के लिए सड़कों पर अर्धनंगन होकर प्रदर्शन करते थे, आज वो लोग बिलों में घुसे हुए हैं। कहीं भी आज जो कहते मोदी जी कहते थे कि रुपया गिरता है तो देश की साख गिरती है, अब कौन सी साख मोदी जी ने बढ़ाई है? पूरी दुनिया के अंदर जब $20 पे $20 के हिसाब से आ गया था तेल, तब भी इन्होंने रेट नहीं घटाए। मतलब केवल और केवल तेल के दम पे सरकार चलाना ये कौन से अच्छे दिन की बात है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब जो महंगाई होती है तो उस समय सरकार जो मौजूदा सरकार होती है वो उस चीज को नहीं नोट कर पाती और जब विपक्ष में बैठे होते हैं तब ये कहीं ना कहीं नोट होती है। आप देखते हैं जिस तरह मैं जो आप कह रहे हो कि भाजपा सरकार उस समय प्रोटेस्ट करती थी लेकिन आज इस चीज कोई ध्यान नहीं दे रही है। नहीं, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही कहीं पे भी किसी भी चीज। देखिए आप किसान कितने दिन हो गए, आज 92-93 वहाँ दिन है किसानों का सड़क पे बैठे हुए। आप मोदी जी को चुनाव लड़ना है, जब जलपाईगुड़ी में कोई घटना होती है, एक्सीडेंट में लोग मारे जाते हैं, आप एक ट्वीट करते हो, संवेदना व्यक्त करते हो और अच्छी बात है कि उनकी आप आर्थिक मदद करते हो, परंतु जहाँ पे बात उसकी आती है किसानों की, 225 से ज्यादा किसानों की डेथ हो चुकी है, आप एक शब्द भी नहीं बोले। इससे ज्यादा बेशर्मी की बात क्या होगी? जो कहते थे कि आय दुगनी करूंगा, कौन सी आय दुगनी हुई बताएं ना आप? बल्कि जितने टाइम इनका हुआ है, मोदी वाजपेयी जी का और कांग्रेस के टाइम के अपेक्षा 60 गुना महंगाई इन्होंने बढ़ी है। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे इन्होंने कहीं दाम बढ़ाया तो 60 गुना महंगाई भी इनके टाइम में बढ़ी है, तो वो एक बहुत बड़ा झटका है जो चीजें दिखाई नहीं देती और ये इन्हीं के लोगों की बात है, आंकड़े कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। आज प्रदेश स्तर पे प्रोटेस्ट है इस तरीके का? नहीं, हर जिले वाइज है। आज फरीदाबाद का नंबर है, कल किसी और का होगा, 24 ऐसे ही चलेगा अभी 2-3 दिन, हर जिले में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो है वो पूरा जिला वाइज जो है वो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता, तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और भारी संख्या में कहीं ना कहीं जो रोष है जो वो आप देख सकते हैं और इसी को लेकर के जो है वो लगातार जिस तरीके से, क्योंकि पहले भी कांग्रेस के पदाधिकारी जो है वो इस किसान आंदोलन को लेकर के संघर्ष करते आ रहे हैं, किसान आंदोलन को लेकर के ये लोग समर्थन करते आ रहे हैं और लगातार जो है वो प्रोटेस्ट की बात जो है वो कही जा रही है।
तो तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, आप देख सकते हैं कि तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो सब यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए भारी संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और किसानों के साथ किसानों के समर्थन में जो है वो ये लोग लगातार अपनी मांग को रखते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को बात मानने की जो सलाह दी जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और आज जो है वो कांग्रेस पार्टी का ये विरोध प्रदर्शन बढ़े हुए महंगे डीजलों के दाम और पेट्रोल के दामों को लेकर के है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कहीं ना कहीं आम आदमी की कमर जो है वो टूटती जा रही है इस महंगाई के चलते, तो इसको लेकर के एक बड़ा खामियाजा जो है वो कहीं ना कहीं सरकार को जो है वो भुगतना पड़ सकता है। और इसी को लेकर के आज कांग्रेस इसको भुनाने में लगी हुई है, और कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि जो लगातार बढ़ रहे हैं दाम, लगातार जो रेट बढ़ रहे हैं उनको नियंत्रित किया जाए, ताकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आम आदमी की कमर जो टूट रही है वो कम हो सके। Thank you.
मैं उम्मीद करता हूँ एक बार ये गाड़ी को दिखाएं, पंजाब केसरी से है। तो आप देख सकते हैं मोटर व्हीकल एक्ट की कैसी धज्जियां यहाँ पर प्रशासन उड़ा रहा है, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग यहाँ भाजपा सरकार कर रही है। आज यहाँ पर नंबर प्लेट सुनना टूटी होती है, वैसे तो तोड़ के सुनना रखते हैं, टूटी पड़ी है आगे आग लगनी रही है। पता नहीं चला जाए ऐसे, एक बार क्लोज कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो आज है वो बढ़े हुए तेल और महंगाई जो है उसको लेकर के आज विरोध प्रदर्शन है, और लगातार इस तरीके का विरोध प्रदर्शन आज पूरे प्रदेश स्तर पे किया जा रहा है। तमाम जिलों में जो है वो तकरीबन कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, और इसी को लेकर के आज फरीदाबाद के तमाम जो नेता हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, चाहे फिर विधायक लगा लीजिए या फिर पूर्व विधायक, तमाम वो लोग जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांगों को रख रहे हैं।